व्हाट इज स्टी रेडियन? इससे पहले हमने रेडियन पढ़ लिया था। रेडियन हमारे पास किस चीज़ का यूनिट था? प्लेन एंगल का। स्टी रेडियन हमारे पास है यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। इट इज अ यूनिट ऑफ एक पॉइंट थ्री। इट इज अ यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। एक पॉइंट हमारे पास क्या हुआ कि ये यूनिट है सॉलिड एंगल। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि इसमें हमारे पास जो प्लेन एंगल है उसमें कितने डायमेंशंस थे? टू। इसमें हमारे पास होते हैं थ्री डायमेंशन। ये हमारे पास कितने इसमें डायमेंशन होते हैं? थ्री। ठीक है, इसमें डायमेंशंस कितने होंगे? इसको हम कहते हैं थ्री डी, लाइक स्फीयर वाले ऑब्जेक्ट जिसमें हमारे पास थ्री डायमेंशन होते हैं। प्लेन में हमारे पास था हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और इसमें हमारे पास क्या होंगे? एक और जो हमारे पास जेड होगा एक्स वाई जेड। तो हमारे पास इसमें कितने डायमेंशन होंगे? थ्री। डिफिनेशन ऑफ स्टेडियन क्या है? स्टेडियन का डिफिनेशन इस तरह है कि अगर हम सॉलिड एंगल ड्रा करें किससे? द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सपोज हमारे पास ये क्या है? एक स्फीयर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसकी सेंटर से हम क्या चीज़ को ड्रा, किस चीज़ को ड्रा करें? इसकी सेंटर से हम एक सरफेस एरिया को ड्रा करें, ठीक है, किस चीज़ को? एक सरफेस एरिया को। और वो सरफेस सपोज हमारे पास ये क्या है? एक सरफेस एरिया। और ये सरफेस एरिया और इसका जो रेडियस है, सपोज ये एक रेडियस है और ये दूसरी रेडियस, अगर ये सरफेस एरिया रेडियस स्क्वायर के बराबर हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, अगर सरफेस एरिया रेडियस स्क्वायर के बराबर हो जाए स्फीयर का तो इसको हम कहते हैं स्टेरेडियन। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन का डिफिनेशन समझ गए कि अगर हम स्फीयर के सेंटर से एक सरफेस एरिया ड्रा करें और वो सरफेस एरिया रेडियस स्क्वायर के बराबर हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्टेरेडियन। इसको हम क्या कहेंगे? स्टेरेडियन। और हमें मालूम है कि स्टेरेडियन किस चीज़ के बराबर होता है? स्टेरेडियन बराबर होता है सरफेस एरिया के। सो ऑल वंस स्टेरेडियन बराबर होगा सरफेस एरिया किस चीज़ के बराबर होता है? 4πr² टोटल सरफेस एरिया। और हमें मालूम है कि वन स्टेरेडियन बराबर होता है सरफेस एरिया डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। सरफेस एरिया डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। तो स्क्वेयर हमारे पास क्या चीज़ होगा? वन स्टेरेडियन हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ का? इंटू रेडियस स्क्वेयर का। तो रेडियस स्क्वेयर और स्क्वेयर कैंसिल और वन स्टेरेडियन बराबर हो गया 4π। तो आप समझ गए कि हमारे पास वन स्टेरेडियन कितना होता है? वन स्टेरेडियन होता है 4π के इक्वल। वन स्टेरेडियन कितने का होगा? 4π। स्टेरेडियन हमारे पास क्या है? सॉलिड एंगल का यूनिट। व्हाट इज सॉलिड एंगल? जिसमें हमारे पास थ्री डायमेंशन होता है। जिसमें हमारे पास थ्री डायमेंशन होता है इसको हम क्या कहते हैं? स्टेरेडियन। डिफिनेशन ऑफ स्टेरेडियन इस तरह है कि अगर हम सरफेस एरिया को स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया ड्रा करें और वो सरफेस एरिया रेडियस स्क्वायर के बराबर हो जाए तो इसको हम कहते हैं क्या? स्टेरेडियन। और वन स्टेरेडियन हमारे पास बराबर होता है 4π के। 4π। तो ये हो गया आज का टॉपिक स्टेरेडियन।